श्री गणेशाय नमः। आज भादो मास की गणेश चतुर्थी है। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए, साथ ही गणेश भगवान की कथा सुननी चाहिए। इससे जीवन में आने वाली सभी प्रकार के संकटें टल जाती है और भगवान गणेश की कृपा सदैव बनी रहती है। तो आइए सुनते हैं गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। प्राचीन काल की बात है, एक बार गणेश जी ने पृथ्वी के मनुष्यों की परीक्षा लेने का विचार किया। वे अपना रूप बदलकर पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। उन्होंने एक बालक का रूप बना लिया, एक हाथ में एक चम्मच में दूध ले लिया और दूसरे हाथ में एक चुटकी चावल ले लिया और गली गली घूमने लगे। साथ ही साथ आवाज लगाते चल रहे थे, कोई मेरे लिए खीर बना दे, कोई मेरे लिए खीर बना दे। कोई भी उन पर ध्यान नहीं दे रहा था, बल्कि लोग उन पर हंस रहे थे। वे लगातार एक गांव के बाद दूसरे गांव इसी तरह चक्कर लगाते हुए पुकारते रहे, पर कोई खीर बनाने के लिए तैयार नहीं था। सुबह से शाम हो गई। गणेश जी लगातार घूमते रहे। काफी घूमने के बाद वह एक गांव से गुजर रहे थे। वहां पर एक बुढ़िया थी, शाम के वक्त अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। तभी गणेश जी वहां से पुकारते हुए निकले कि कोई मेरी खीर बना दे, कोई मेरी खीर बना दे। बुढ़िया बहुत कोमल हृदय वाली स्त्री थी। उसने कहा, बेटा मैं तेरी खीर बना देती हूँ। गणेश जी ने कहा, माई अपने घर में से दूध और चावल लेने के लिए बर्तन ले आओ। बुढ़िया एक कटोरी लेकर जब झोपड़ी के बाहर आई तो गणेश जी ने कहा, अपने घर का सबसे बड़ा बर्तन लेकर आओ। बुढ़िया को थोड़ी झुंझुलाहट हुई, पर उसने कहा, चलो बच्चे का मन रख लेती हूँ। और अंदर जाकर वह अपने घर से सबसे बड़ा पतीला लेकर बाहर आई। गणेश जी ने चम्मच में से दूध पतीले में उढ़ेलना शुरू किया। तब बुढ़िया के आश्चर्य की सीमा न रही जब उसने देखा दूध से पूरा पतीला भर गया है। एक के बाद एक बर्तन झोपड़ी के बाहर लाती गई और उसमें गणेश जी दूध भरते चले गए। इस तरह से घर के सारे बर्तन दूध से लबालब हो गई। गणेश भगवान ने बुढ़िया से कहा, मैं स्नान करके आता हूँ, तब तक तुम खीर बना लो, मैं वापस आकर खाऊंगा। बुढ़िया ने पूछा, मैं इतनी सारी खीर का क्या करूंगी। इस पर गणपति महाराज बोले, सारे गांव को दावत दे दो। बुढ़िया ने बड़े प्यार से मन लगाकर खीर बनाई। खीर की भीनी भीनी मीठी मीठी खुशबू चारों दिशाओं में फैल गई। खीर बनाने के बाद वह हर घर में जाकर खीर खाने का न्योता देने लगी। लोग उस पर हंस रहे थे। बुढ़िया के घर में खाने का दाना नहीं और यह सारे गांव को खीर देने का दावत दे रही है। लोगों को कुतूहल हुआ और खीर की खुशबू से लोग खींचे चले आए और देखते ही देखते सारा गांव बुढ़िया के घर में इकट्ठा हो गया। जब बुढ़िया की बहू को दावत की बात मालूम हुई तब वह सबसे पहले वहां पहुंच गई। उसने खीर से भरे पतीले को जब देखा तब उसके मुंह में पानी आ गया। उसे बड़ी जोर से भूख लगने लगी। उसने एक कटोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर खाने की तैयारी करने लगी। इसी बीच एक छींटा गिर गया और गणपति महाराज को भोग लग गया और वह प्रसन्न हो गए। अब पूरे गांव को खाने की न्योता देकर बुढ़िया वापस अपने घर आई तो उसने देखा बालक वापस आ गया था। बुढ़िया ने कहा, बेटा खीर तैयार है, भोग लगा लो। गणपति महाराज बोले, माँ भोग तो लग चुका है, मेरा पेट पूरी तरह से भर गया है, मैं तृप्त हूँ, अब तू खा ले, अपने परिवार और गांव वालों को खिला। बुढ़िया ने कहा, यह तो बहुत ज्यादा है, सबका पेट भर जाएगा, इसके बाद भी यह बच जाएगा, उस बची खीर का मैं क्या करूंगी। इस पर गणेश जी बोले, उस बची खीर को रात में अपने घर के चारों कोनों में रख देना। और बुढ़िया ने ऐसा ही किया। जब सारा गांव जी भर कर खा चुका तब भी ढेर सारी खीर बच गई। उसने उसके पात्रों को अपने घर के चारों तरफ रख दिया। सुबह उठकर उसने क्या देखा, पतीलों में खीर के स्थान पर हीरे जवाहरात और मोती भरे हुए थे। वह बहुत खुश हुई, उसकी सारी दरिद्रता दूर हो गई और वह आराम से रहने लगी। उसने गणपति महाराज का एक भव्य मंदिर बनवाया और साथ में एक बड़ा सा तालाब खुदवाया। इस तरह उसका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। उस जगह वार्षिक मेले लगने लगे। लोग गणेश जी की कृपा प्राप्त करने के लिए उस स्थान पर पूजा करने और मान्यताएं मांगने के लिए आने लगे और गणेश जी सबकी मनोकामनाएं पूरी करने लगे। तो हे गणेश जी महाराज, जिस तरह आपने बुढ़िया की मनोकामना पूरी की उसी तरह हर कथा सुनने वालों की मनोकामनाएं पूरी करें। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय।